लगभग बहुत जल्द आ जाएगा। नमस्ते, सब जी कैसा एग्जाम गया आपका? बहुत बढ़िया, 200 में कम से कम 180, इसमें कितना भी नंबर आए कोई फर्क, बस कट ऑफ हो जाने की, कितना जाने वाला है इस बार? 10 मिलेगा है ना, तो बढ़िया हो गया पहले से। ऐसे 30-32 बहुत ही बात दिख रहे हैं आप, आपके साथ वो भी आते थे। बहुत पुरानी बात है, बहुत अच्छी बात है कि संघर्ष आज भी जारी है, कोरोना से पहले की बात है। नहीं, अच्छा आप फिर से वैकेंसी में तो वैकेंसी ही है, बाकी एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब से तो क्या है कि हमारे एग्जाम में जो 200 क्वेश्चन जो था, 200 क्वेश्चन, अब 200 को बिल्कुल कट शॉर्ट करके 45 क्वेश्चन हो गया है। तो 45 क्वेश्चन आंखों पे ज़्यादा कम्बरसम लगता भी नहीं है कि 45 क्वेश्चन ही है तो बहुत जल्द हो जाएगा। और एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही कीमती है, एक क्वेश्चन आपको कितना नंबर दिला सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत कीमती है, उनके लिए क्वेश्चन का कोई कीमत नहीं है। तो उन ऐसा मत सोचिएगा कि 3 नंबर का क्वेश्चन 3 किलो का होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन 100 ग्राम का ही हो सकता है लेकिन नंबर देगा पूरा आपको 3, और जब काटेगा तो 4, ये तो नाइंसाफी है। दे रहे हो 3 और काट रहे हो 4। तो इसलिए अब क्या है कि हमारी पढ़ाई जो तैयारी है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है, एक्सक्लूसिव नहीं कि कुछ खास खास चैप्टर पढ़ लेंगे हम तो फिर अच्छा कर लेंगे। अब हमारी पढ़ाई कॉम्प्रिहेंसिव है कि एक भी क्वेश्चन अगर छूटा तो आपके बहुत सारे नंबर कट जाएंगे, और तुक्का लगाने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो जो तुक्का लगाएंगे तो उनको कितना नंबर मिलता चला जाएगा, 3-3 मिलता जाएगा, 3-3 मिलता जाएगा। 4-5 क्वेश्चन का सही हो गया और आपका गलत हो गया, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे तुक्का कम लगाते हैं और जो नहीं पढ़ के जाते हैं वो तुक्का भी लगा लेते हैं। इसलिए हमारी पढ़ाई ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। तो पहले 200 में 200 की बात किया करते थे, अब हम लोग 135 में 135 की बात करेंगे, और ये बिल्कुल संभव है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं ला सकते हैं। इससे पहले भी लाने से पहले ही मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा हूँ, लेकिन किताब के अंदर की चीज़ें बहुत कम पढ़ा, और इसका जो बुक का नाम होता है वो ज़्यादा मुझे सिखाता था। तो एक किताब थी अरिंदम चौधरी की कि काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड, काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। अब अंडा जब आ गया तो उसके अंदर से मुर्गी भी आएगी ही आएगी, अब फिर मुर्गी आएगी या मुर्गा आएगा इसका भी कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। ये नहीं कि जब अंडा से मुर्गी बाहर निकलेगा फिर हम सोचेंगे, नहीं, पहले ही प्लानिंग कर लीजिए कि क्या क्या हो सकता है। तो पहले 200 में 200 था, अब हम 135 में 135 के लिए हम संघर्ष करेंगे, और ये बिल्कुल लाया जा सकता। मैं पहले ही आपके सर के ऊपर ये एक उम्मीदों का बहुत बड़ा पहाड़ मैंने डाल दिया कि 135 में 135 लेना, और एक बार आप तो सोचने लगते हैं ना तो वो चीज़ें दिखने भी लगती है, और लगता है कि ऐसा हो सकता है। अब देखिए हमारा सचिन के पहले कहाँ कोई डबल सेंचुरी लगाया था, और सचिन के लगते ही धराधर धराधर कितने लोगों ने लगा दिया, और अभी अभी देखिए सूर्य कुमार, सॉरी ईशान किशन, वो 210 रन 131 बॉल में बनाया, मतलब वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट, और 131 हुआ ना, तो कोई ना कोई आएगा जो 100 पे ही लगा देगा, और फिर कोई ना कोई होगा जो लेकिन सबसे 50 रन लगा सकता है, चौका ही लगाएगा, बोले चक्का नहीं मारेंगे हम, चक्का चक्का ही लगाएगा। अब एक दिन ऐसा आएगा कि आपने कहा 50, लेकिन फिर भी इतिहास में
या तो सूर्य कुमार का ईशान किशन का नाम दर्ज किया जाएगा या तो फिर सचिन तेंदुलकर का, क्योंकि जो सबसे पहले जो करता है ना वही सबसे बड़ा व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले करना ये सबसे डिफिकल्ट काम होता है, क्योंकि किसने किया ही नहीं आज तक तो फिर तुम कैसे कर लोगे, और जब कर चुका होता है लोग तो फिर उसको देख के लगता है जब ये कर लिया तो फिर हम भी कर लेंगे, जब ये इंस्पेक्टर बन रहे हैं तो हम भी बन सकते हैं। इसलिए 135 में 135 लाना बिल्कुल ही संभव है, लेकिन सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि हम ला सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास कैसे पूछे जाएंगे, तो ग्रामर में क्वेश्चन जहाँ तो मुझे लगता है कि कॉमन एरर्स ये वेरी करेगा, एक रफ एस्टिमेट है, वेरी करेगा, हो सकता है कि कॉमन एरर 5 आ जाए, लेकिन अगर कॉमन एरर 5 आ गया, कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस में अगर 5 आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स अगर 5 आ गया तो क्वेश्चन हो गए 15, बस गया हमारे पास 30। 30 में नरेशन भी है, वॉइस भी है, एंटोनिम सिनोनिम्स भी है, स्पेलिंग एरर भी है, वन वर्ड भी है, पैसेज भी है, पैसेज में भी क्वेश्चन होंगे, एक पैसेज में हो सकता है 5 क्वेश्चन हो, 515 क्वेश्चन वही हो गया, एक रफ एस्टिमेट। वॉइस कितने आ जाएंगे 4, नरेशन कितने आएंगे 4, पता नरेशन की संख्या इस बार बढ़ी थी, प्री में मैंने देखा बड़ा हुआ था, हो सकता है कि इसमें कम हो जाए, या हो सकता है इसमें भी ये 4 का 8 कर दे, ऐसा किया जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 का 8 हो जाएगा, लेकिन इतने ही चीज रहेंगे, सिनोनिम्स 2 हो सकता है, एंटोनिम्स 2 हो सकता है, स्पेलिंग एरर 2 हो सकता है, वन वर्ड 2, इडियम 2 हो जाएगा, कंपोजिशन कॉम्प्रहेंशन बेस्ट क्वेश्चन 21 आते हैं, तो पैसेज में हो सकता है 12 क्वेश्चन आ जाए, हमने 5-5 नहीं दिया, 4-4 क्वेश्चन दिया, हो सकता है कि एक पैसेज में 3 ही क्वेश्चन हो, सकता है कि पैसेज 5 हो जिसमें 2 वोकैबुलरी का क्वेश्चन हो और 3 क्वेश्चन पैसेज बेस्ड हो, ऐसा भी हो सकता है, और फिर अलग से सिनोनिम सेंटोनिम्स के बारे में पूछे ही नहीं, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, क्लोज टेस्ट 1 आएंगे क्वेश्चन हो जाएगा 5, पी क्यू आर एस 4 आएंगे, ये कुल मिला के हमारे क्वेश्चन कितने हो जाते हैं 45 क्वेश्चन हो गए, नहीं हुआ 21 ये क्वेश्चन है, 21 ही है ना, 21 क्वेश्चन ये हो गया, और ये कितना हो गया, कितना 31, और ये कितना हो गया 45 क्वेश्चन हो गए, ये पैटर्न वेरी करेगा, लेकिन रहेंगे कॉमन एयर सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो सिलेबस हमारा दिया गया है। अब चूंकि ये जो क्वेश्चन ये सारी चीजें वगैरह जो हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्लीट कोर्स पढ़ने के लिए इकट्ठा, वो आप कंप्लीट आप प्री में पढ़ ही चुके हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी मुझे लगता है कि ग्रामर की जो इम्पोर्टेंट 100, 125, 150, 200 जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ एरर्स होंगे पूरे ग्रामर से, कि सब्जेक्ट और अग्रीमेंट से या नाउन से या प्रोनाउन से या एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, प्रीपोजिशन से, कंजंक्शन से, ये सारे एरर बन सकते हैं, वो सब आपको हम टॉप 100 या टॉप 150 या टॉप 200 पॉइंट ऑफ एरर्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैप्टर वाइज क्या है, चैप्टर वाइज प्रीवियस पेपर में जितने सवाल पूछे नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट और अग्रीमेंट से जितने पूछे गए हैं वो बनाएंगे। उसके बाद 500 क्वेश्चन मिसलेनियस बनाएंगे, 500 कॉमन एयर्स, 500 सेंटेंस इंप्रूवमेंट, 500 जैसे हमने प्री में किया था, प्री में भी हमने काफ़ी किया था हमने, तो उसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स 500, नरेशन 500, वॉइस 500, इसमें कहीं हम कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जब आपको 100 हम पॉइंट ऑफ एयर्स बताएंगे, इसमें प्रपोजिशन के भी 100 लिखा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, वॉइस, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर्स, इतना हम क्लास में करेंगे, इडियम्स, वन वर्ड, पैसेज आपको बताएंगे पैसेज कैसे बनाना है, और 50 पैसेज करके भी देखेंगे, 200 पी क्यू आर एस बनाकर देखेंगे कैसे बनता है, सब क्लास की बात होगा, और क्लोज टेस्ट भी हम 50 बनाएंगे, क्योंकि ये सब एक प्रकार का समझिए रिफ्रेशिंग सेशन होगा हमारा, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले से, अब उसको क्या करना है एक बार मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्रेश कर लेना है, पॉलिशिंग, अ काइंड ऑफ पॉलिशिंग, ये नहीं कि आपको हम सिखा रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि अंग्रेजी स्पेशल के लिए अलग से हमारे ऐप पे एक बना हुआ है, कोर्स का बना हुआ है, तो बच्चे ऑनलाइन इंटरेस्टेड होते हैं तो ऑनलाइन जो क्लासेज लेंगे तो उसका आपको क्या है कि एक्सेस मिल जाएगा, उस एक्सेस में क्या है कि 1000 कॉमन एरर्स, 1000 फिल इन द ब्लैंक्स, 1000 सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो प्रीवियस ईयर के पार्ट है और विद सल्यूशन,
आपको पीडीएफ मिलेंगे क्वेश्चंस के और सॉल्यूशंस के पूरे एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको, मतलब पूरे 1,000 क्वेश्चन है ना, तो उसको हमने 50 सेट में बांट दिया है, 20 20 का 50 सेट बना दिया है। आप क्या करने, एक एक कर बनाएंगे और सोल्यूशन आता जाएगा, बनाते जाइए सोल्यूशन आता जाएगा। तो पूरे 1,000 को आपको देखना, वो सब आप जानते होगे जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पे, वो सब उसमें कवर्ड होगा। तो वो एक बार उसको बना लोगे ना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लर्निंग हमारी उतना ही ज़्यादा होगी। तो वो इसके अलावा आपको 3,000 कॉमन एरर्स एंड मिस इनफॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स का आपको एक एक्सरसाइज मिलेगा, जिसमें पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है। आप उसको बनाएंगे डेली, आप अगर आप 100 200 क्वेश्चन बना लेते हैं फटाफट बैठे बैठे, कहीं भी बैठे हैं आप, ऐप खोलिए और बनाइए उसमें, तो आपका कॉमन एरर पे बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा। नरेशन का भी होगा, वॉइस का भी आपके पास होगा, वोकैब का भी, मैं देखूँ वोकैब का ही बना होगा। तो जो भी ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है, जो हमने मेंस की तैयारी करवाई थी, तो वो सारे, क्योंकि सवाल तो 2 साल पहले का हो या 10 साल पहले का हो, सवाल सवाल है, कौन सवाल आ जाएगा कहना मुश्किल है। और उसके बाद 25 मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें 45 45 क्वेश्चन के बने होंगे, और विद सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। उसमें हमने जो क्वेश्चन आपको दिखाया कि कॉमन एरर 2 होगा, तो किसी में हमने 2 रखा है और किसी में हमने 4 कर दिया है, किसी में हमने नरेशन 10 कर दिया है, ताकि आपको भी हर प्रकार के पैटर्न से आप अवगत रहें, तो वहाँ पे लगेगा नहीं कि ये क्या हो रहा है, इतना सब मैंने सोचा ही नहीं। और ये सोच के जाएंगे कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल वैरी करेगा, सेम नहीं रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज हम दो चीज की बात करेंगे, एक तो नंबर ऑफ, शुरुआत करेंगे हम लोग सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एरर से, और इसके बाद 100 कॉमन एरर्स बनाएंगे जो हमारा प्रीवियस ईयर से लिया गया है, और ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड होगा। तो 100 क्वेश्चन आप, मुझे लगता है 10 मिनट में आप बना लेंगे, क्योंकि तो दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं, और पूरे पॉजिटिविटी के साथ आपको तैयारी करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट होने जा रहा है, जैसे प्री आसान आया, और प्री के पहले बहुत सारे बच्चे आके, अब बहुत बच्चे अप्रिहेंसिव थे, डरे हुए थे, पता नहीं क्या जाएगा नहीं जाएगा, और शायद ही शायद क्या कोई ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने कहा सर पेपर हलवा नहीं था। वैसे हलवा से भी हल्का कुछ हो सकता है, तो वो हमारा हमारा पेपर था, पेपर बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था। और जो भी गलतियां हुई हैं बच्चों से, वो क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के कारण नहीं, बल्कि प्रेशर और जल्दीबाजी के चक्कर में, जैसे ये नरेशन जल्दीबाजी के चक्कर में, और ये मुझसे पूछने से पहले ही इसका आंसर को पता था, क्योंकि जब खुद देखा तो बच्चों माय गॉड मैं क्या करके आ गया। लेकिन चलिए प्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। अभी सारे हमारे ऐप पे आपको मिल जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझना है। फोटो कॉपी हमारे पास शायद होगा, इसका नहीं, फोटो कॉपी है ना हमारे पास, वो अभी नहीं मांगना है, करवा लिए ना फोटो कॉपी। कि दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग हुआ तो वर्ब का प्रयोग निम्नांकित बातों पर ध्यान रखकर किया जाता है। जब भी दो सब्जेक्ट को हम एंड से कंबाइन करते हैं तो वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए ना। लेकिन और भी इसमें नई नई बातें क्या है जो आप जानते हैं पहले से, जब दो या दो से अधिक नाउन्स को एंड से जोड़ा गया हो तो हमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रोहित एंड रागिनी इज और आर, आर का इस्तेमाल करेंगे। ब्रेड क्लोथ एंड हाउस आर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। लेकिन जब दो नाउन एंड से जुड़े हो और दोनों मिलकर किसी एक चीज को दर्शा रहे हैं और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो नाउन के इसी युग्म को पेयर, मतलब युग्म मतलब होता है पेयर, जिसे हम पार्सल सब्जेक्ट भी कहते हैं, के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए इन जनरली हम क्या सोचते हैं कि एंड से जब भी कोई शब्द, दो शब्द को जोड़ा जाता है उसकी संख्या एक नहीं दो हो जाती है, और जब एक नहीं दो हो गई तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दो नाउन को एंड से हम कंबाइन हम करते जरूर हैं, लेकिन दो जिस्म एक जान हो जाता है,
ऐसा होता है बिल्कुल। अभी आप दो व्यक्ति अलग अलग हैं तो अलग अलग उनको इनविटेशन मिलेगा, जैसे दोनों की सगाई शादी हुई वैसे इनविटेशन एक हो जाए। पहले अलग थे, अलग अलग आ रहा था, अब एक हो गए, एक आएगा। वैसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे नेम एंड फेम, पावर एंड इन्फ्लुएंस, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड बग्गी, सब एंड सबस्टांस, स्लो एंड स्टेडी। ये सब एक सिंगल एंटिटी और एक सिंगल आइडिया को दिखाते हैं। और वैसे कंडीशन में वर्ब क्या आना चाहिए, हम सिंगल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों तो डिटरमिनर्स के प्रयोग के आधार पर भी वर्ब का फॉर्म तय किया जाता है। जैसे दो नाउन है एंड से जुड़कर आया आपके साथ, लेकिन अगर दोनों के साथ डिटरमिनर लगा हुआ है तो वर्ब आ जाएगा प्लूरल, और डिटरमिनर अगर एक के साथ है तो वर्ब क्या जाएगा, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर एक ही डिटरमिनर है तो इससे माना जाता है कि व्यक्ति एक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दो दो नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो, तीन नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था और करता था। तो फिर लोगों ने एक तरीका निकाला कि अगर तीन व्यक्ति से एक का बोध हो जाए तो डिटरमिनर सबसे पहले वाले नाउन के साथ इस्तेमाल करना, और अगर तीन नाउन से अलग अलग तीन व्यक्ति का बोध हो तो डिटरमिनर अलग अलग, डिटरमिनर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति अलग अलग है। तो आपको देखना पड़ेगा कि लिखा हुआ है कि द राइटर एंड टीचर, तो व्यक्ति हो गया एक, द राइटर एंड द टीचर दो हो जाएगा। दूसरी बात यहां पे ये भी बताते चलूं आपको कि इसके साथ प्रोनाउन भी वर्ब को ध्यान में रख के इस्तेमाल हो। अगर वर्ब सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी क्या आएगा, वर्ब अगर प्लूरल है तो प्रोनाउन भी क्या आएगा। द राइटर एंड टीचर हैज लॉस्ट हिज और हर, हिज या देयर, हिज का इस्तेमाल करेंगे। द राइटर एंड द टीचर देयर, तो ये भी ध्यान रखना कि वर्ब अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा, दोनों में बिल्कुल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर वर्ब प्लूरल है तो वर्ब प्रोनाउन भी हमारा प्लूरल हो जाएगा, तो इसका भी एरर आता है। बच्चे बता रहे कि साउंड बहुत कम आता है, फोन का साउंड फुल है लेकिन आपका साउंड पौवा लग रहा है। नहीं नहीं, साउंड ऐप का साउंड कैसे बढ़ेगा, यूट्यूब पे साउंड कम आ रहा है, बता रहे बच्चे। आप देखेंगे यहाँ पे अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन क्या जाएगा, हैज, एंड अ पोएट फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन यहां भी क्या जाएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे। अ पोएट एंड अ पॉलिटिशियन हैव, माय डॉक्टर एंड माय फ्रेंड क्या जाएगा, अगर ऐसा होता माय डॉक्टर एंड फ्रेंड, तो डॉक्टर एंड फ्रेंड बोला तो एक हो गया। लेकिन जो चीज नेचुरली डिफरेंट है दो हो ही नहीं सकता, वो एक हो ही नहीं सकता है, तो उसके लिए डिटरमिनर लगाओ। डिटरमिनर हमने किसके लिए लगाया, डिटरमिनर हमने उस कंडीशन के लिए लगाया जहां पे दो नाउन को एक होने की संभावना है। जहां पे दो नाउन से एक व्यक्ति हो जाए, तीन नाउन से एक व्यक्ति हो जाए, वैसे कंडीशन में हमने डिटरमिनर लगाया डिवाइड करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। जहां संभावना ऑलरेडी सेपरेटेड का है, ऑलरेडी सेपरेट है वो, तो हमें डिटरमिनर लगाकर सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे माई फादर एंड अंकल, फादर एंड अंकल कांट बी वन, सेम नहीं हो सकते, तो अंकल के साथ माई लगाने की आवश्यकता नहीं है। और बिना माई लगाए वर्ब क्या जाएगा, हम पुले वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इसका भी ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने कहा माई फादर एंड मदर, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते, क्या जाएगा, वांट है। His uncle and aunt क्या जाएगा, have। My honesty, dedication and faithfulness, तो यहाँ पर ये लिखा पड़ेगा my honesty, my dedication and my faithfulness,
क्योंकि ये तीनों अपने आप में एक डिफरेंट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माई ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस है, ये रहा पॉइंट ऑफ व्यू नंबर टू। ये भी अरबों खरबों बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक बार मैं देख लूंगी क्या लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। वन के साथ जब भी कोई प्रनाउन इस्तेमाल किया जाए, वन के लिए जब भी कोई प्रनाउन इस्तेमाल किया जाएगा तो वो ही के मुताबिक नहीं, सी के मुताबिक नहीं, वन के बदले आने वाला प्रनाउन हमेशा वन के मुताबिक किया जाएगा, जब भी वन के लिए आएगा। जैसे राम के लिए क्या आता है, ही, सीता के लिए सी आ जाता है, राम एंड सीता आ गया तो दे के मुताबिक आ गया, एक से ज्यादा हो गया एक तो दे के मुताबिक आ जाएगा। लेकिन वन के लिए जब भी प्रनाउन आएगा, जैसे वन मस्ट रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स एंड बेटर्स, तो क्या जाएगा, वंस का इस्तेमाल करेंगे, ओ एन ई। आप लोग पढ़ चुके होंगे, गलत बोल रहे हैं आप लोग, एपोस्ट्रॉफी एस, प्रणाम में मैंने पढ़ा चुका है सब लोगों के, ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी एस, ओ एन ई एस, ओ एन ई सॉरी ओ एन सी ई, तीनों को वंस वंस ही बोलते हैं, बट तीनों डिफरेंट है, तीनों का इस्तेमाल अलग अलग है। तो वंस जब भी इस्तेमाल करेंगे हम उसके सेंस को ध्यान में रखते करेंगे। तो वन के बदले इंडिफरेंट प्रनाउन में अगर किसी एक शब्द से बार बार एरर आया है तो वो शब्द क्या है, वन है। वन के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे हम, वन के लिए इस्तेमाल करेंगे, कभी वन कभी वंस कभी वन सेल्फ कभी वन इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, वन के बाद अगर ऑफ आ गया तो वर्ब क्या, नाउन क्या आएगा। वन के बाद जब भी अगर ऑफ आ जाए तो नाउन क्या ना चाहिए। ये भी हजारों बार हमारे एग्जाम में पूछे गए, वन ऑफ द बॉय, वन ऑफ द फीचर, वन ऑफ द लीडर, वन ऑफ द कंट्री। सेंटेंस बहुत लेंदी होगा और एरर यही होगा, वन ऑफ द कंट्री, और आप इतने लेंदी सेंटेंस को देख घबरा जाओगे। सबसे पहले एरर देखना तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का एरर देखना, उसके बाद फिर देखना टाइम एंड टेंस का एरर देखना, और उसके बाद फिर प्रेपोजिशन का एरर देखना, और जहां भी नाउन दिख रहा है तो नाउन दिख रहा है या एडजेक्टिव दिख रहा है, एडवर्ब दिख रहा है तो एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में जो मैंने बताया आपको कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, कभी आगे आके कभी पीछे आके, और एडवर्ब नाउन प्रोनाउन इंटरजेक्शन के अलावा सब। तो अगर एडवर्ब है तो ढूंढो एडवर्ब किसके लिए आया, अगर एडजेक्टिव है तो ढूंढो एडजेक्टिव किसके लिए आया है, अगर आर्टिकल है तो ये आर्टिकल किस नाउन के लिए आया है, अगर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का संबंध किससे है, क्या राइट प्रेपोजिशन है या नहीं है। ये तीन चार पांच बातें ध्यान रख के एरर बनाया जाता है हमारे एग्जाम में। तो वन के बाद वन ऑफ द बॉयज बोलेंगे, वन ऑफ द गर्ल्स बोलेंगे, वन हैज कहेंगे, वन हैव का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। वन अगर क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट बनकर आ जाए, अगर वन मस्ट लव वंस कंट्री इसका क्वेश्चन टैग बनाना हो तो सब्जेक्ट हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वन का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन टैग में वन के बदले वन ही इस्तेमाल किया जाएगा, और एवरीबॉडी समबडी नोबडी एनीबडी एवरीवन समवन नो वन एनीवन में क्वेश्चन टैग में हम दे के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना। ये कई बार हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे वन शुड टेक केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, गलत, क्या आएगा, वन शुड टेक केयर ऑफ ओ एन ई एपोस्ट्रॉफी एस, इफ वन वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, क्या जाएगा वहां पे, If one works hard, one will succeed. When one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry. One, सब एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, one feels very sorry. One should be honest to his world. क्या आएगा? O N E apostrophe his के बदले जब भी आएगा ना तो O N E apostrophe S आएगा. The only one who can decide, O N E apostrophe S. One should keep O N E apostrophe S one's word. One should study the history of क्या आएगा? One's country, O N E apostrophe S. और his कट जाएगा, यानी कि his के बगल में लिखेंगे. One should always stand to O N E apostrophe S commitment. One should make his best efforts
कहेगा वंस ओ एनी एपोस्ट्रोफी एस हार्ड वर्क एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑफन रिजल्ट इन अ राइज नॉट ओनली इन वन सैलरी बट ऑल्सो इन वंस ओ एनी एपोस्ट्रोफी एस द टीचर सेड टू द बॉयज दैट वन ऑट टू वर्क हार्ड एंड टू अर्न वंस ओ एनी एपोस्ट्रोफी एस वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स फर्स्ट एंड हिज नहीं कहा जाएगा वंस ओ एनी एपोस्ट्रोफी एस वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज वंस ओन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी भी हमारे ऐसा हमने अभी जो भी रिजल्ट आया हम लोग का कौन सा है सीजीएल प्री में भी इस आधारित सवाल आए हैं और हमें लगता है कि काफ़ी आए होंगे मैं तो दो चार देखा मैंने उसमें मुझे दिखा और जो सी बी यू का एग्जाम हुआ था अभी उसमें भी ये प्री में पूछा गया था और याद रखिए बच्चे भूल जाते हैं चाहे लुक फॉर वर्ड टू हो एडिशन इन एडिशन टू हो विद अ व्यू टू हो प्रॉन टू हो एडिक्टेड टू हो डिवोटेड टू हो या फिर कमिटेड टू हो पे अटेंशन टू हो एवर्स टू हो हैबिचुएटेड टू हो कस्टम्ड टू हो यूज टू हो इन सब के बाद गिवन टू हो कंड्यूसिव टू हो प्रॉन टू हो इन सब के बाद क्या इस्तेमाल करते हैं हम वर्किंग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं टू होने के बावजूद भी क्योंकि यहां पे जो टू है एडमिट टू एवर्स टू एकस्टम्ड टू यूज टू ओइंग टू एडिक्टेड टू विद अ व्यू टू डिवोटेड टू इन एडिशन टू ऑब्जेक्ट टू प्रॉन टू लुक फॉरवर्ड टू गिवन टू सबसे ज्यादा जो आया है ना सबसे ज्यादा अगर एक याद रहे और खुदा का साथ हो आपको तो वो है लुक फॉरवर्ड टू ये तो कम से कम याद ही रख लेना लुक फॉरवर्ड टू के बाद जब भी आएगा तो वर्क की वाई क्योंकि यहां पे जो टू है वो इन्फिनिटिव का निर्माण नहीं करता है यहां पे जहां जहां टू मौजूद है वो प्रेपोजिशन बनता है और प्रेपोजिशन के साथ जो उसका ऑब्जेक्ट आता है हमेशा नाउन इक्विवेलेंट फॉर्म में आएगा नाउन प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट फॉर्म में आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नाउन नहीं है ना तो इसलिए वहां पर लिखेंगे टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही नहीं बल्कि टू के बाद नाउन भी आ सकता है जैसे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वंडरफुल वेदर नाउन आ गया वहां पे आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू या मीटिंग यू अक्सर हम लोग जानते हैं कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यही सोच हर जगह दिखता है लेकिन इसमें ट्विस्ट भी आ जाता है जब आ जाता है लुक फॉरवर्ड टू हम सब जानते हैं कि मेनी के साथ वर्ब क्या आता है प्लूरल लेकिन जैसे मेनी एन आ जाता है सिंगुलर नाउन सिंगुलर तो एग्जाम में उसी चीज को दिया जाता है जो कॉमन से अलग से हट के होता है कि बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो सके तो इन सारे शब्दों के साथ ही केम टू मी विद अ व्यू टू हेल्पिंग मी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू ये भी हमारे एग्जाम में अरबों खरबों बार आए मुझे 3 क्वेश्चन तो अभी अभी याद है जो अक्सर आपको जब मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं कि प्रैक्टिकली इच पार्ट ऑफ द बनाना ट्री प्रैक्टिकली इच पार्ट ऑफ द पपाया ट्री प्रैक्टिकली इच पार्ट ऑफ द कोकोनट ट्री इज यूज्ड बाय मैन एग्जाम में यही किया जाता है कि ट्री का नाम चेंज एरर तो नहीं चेंज कर सकते ना एरर चेंज कर देंगे तो एरर ही चेंज हो गया एरर सेम रखेंगे आत्मा सेम रहता है बदल जाता है सिर्फ शरीर बदल जाता है तो प्रैक्टिकली इच पार्ट ऑफ के जगह क्या लिखेंगे हम एवरी क्योंकि इच डेफिनिट होने का बोध करवाता है इच आपने बोल दिया ना तो आप बिल्कुल एक एक इंडिविजुअल अलग अलग सेपरेट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल आप इंडिविजुअलाइज कर दिया इसका मतलब आपने फिक्स कर दिया आपने बिल्कुल उसे डिफाइन कर दिया डेफिनेट बना दिया लेकिन प्रैक्टिकली नियरली रफली ऐसे शब्द में डेफिनेट का भाव नहीं होता है इसलिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं एवरी का प्रयोग करना चाहिए आई नो ऑलमोस्ट एवरी इनडेफिनिट नंबर को दिखाएगा इच डेफिनेट नंबर को दिखाएगा इसलिए हम नहीं बोलते हैं कि इच एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं एवरी बोलते हैं क्योंकि इच बोल दिया तो आपको पता है कि कौन कौन सा एक्शन नहीं एक्शन तो डिफरेंट इनडेफिनिट है कोई भी एक्शन धरती पे हो हर एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल इसलिए इच नहीं एवरी का इस्तेमाल करते हैं
जब भी सब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट हमने पढ़ा है कि जब भी दो सब्जेक्ट को हम एंड नॉट रादर देन लाइक अनलाइक विद अलोंग विद अलोंग विद टुगेदर विद एज वेल एज ये सबसे ज्यादा आते हैं हमारे एग्जाम में एज वेल एज लाइक अनलाइक टुगेदर विद जब भी दो सब्जेक्ट को इन शब्दों के जरिए जब हम कंबाइन करते हैं तो अग्रीमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा पहले वाले वाई फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बोल रही हैं आप बिल्कुल मुनि कह रही है कि ग्रामर लिखने वाला कोई वर्ब नहीं है वर्ब खुद नहीं लिखा अपने आप को वर्ब को लिखने वाला कौन ग्रामर लिखने वाला कौन हम हैं हम जैसे होंगे हम वैसी अपने ही सोच से संसार को रंग देंगे अब आप देखेंगे भगवान राम के साधक वेस्ट इंडीज में भी हैं और हिंदुस्तान में भी है और इंडोनेशिया में भी है मोदी जी भी गए थे मिलके आ रहे थे बता रहे थे वहां पे सब पाकिस्तान में भी है बिल्कुल तो हिंदुस्तान में जब भगवान राम को जब बनाते हैं तो उनके बहुत पतले पतले लिप्स बनाते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को पतला पतला सुंदर सुंदर लिप्स टेढ़ा ऐसे 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 लिप्स बहुत ही पसंद है हम लोगों को तो भगवान को भी हम परफेक्ट लिप्स देते हैं परफेक्ट नोज देते हैं कि तो देना ही है कल्पना ही कर रहे हैं तो परफेक्शन के साथ कल्पना करो वेस्ट इंडीज में जब भगवान राम का तस्वीर देखोगे आप तो वहां के भगवान गोरे गोरे नहीं है वैसे ही भगवान है और उनके भी भगवान राम के लिप्स पतले पतले नहीं है क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो मानते हैं कि लिप्स जितने मोटे हो उतना ही अच्छा दांत काटने में अच्छा रहेगा अच्छा से पकड़ में आएगा बदल गया ना राम ही है लेकिन अलग अलग लोग ही बनाते हैं इसको भी लिखने वाला कौन था लोग ही था तो लोगों ने भी अपने सोच के मुताबिक किया कैसे किया तो अलोंग विद टुगेदर विद के पहले जो शब्द होता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कैसे तो राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स हैज कम हु हैज कम राम हैज कम अपने दोस्तों के साथ आया राम आया दोस्त को लेकर आया दोस्त उसके साथ आया ना कि दोस्त के साथ वो आया बल्कि दोस्त को वो लेकर आया सारे दोस्त उसके साथ आए हैं तो इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट शब्द हो जाता है हमारा राम पहला हो जाता है तो वर्ब कहती है कि जो इंपॉर्टेंट होगा अग्रीमेंट उसी के साथ होगा इधर और में क्या होता है इधर और में ये बताइए क्यों करती है इधर और में नियरेस्ट के मुताबिक आइए फिर से जानते हैं दो में से इधर और निधर और दोनों बहुत इसमें दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और जब दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तो फिर दूर क्यों जाऊं जब यहां पे भी नमस्ते नमस्ते जब मुखर्जी नगर में भी जो मिल रही है वो सनी खिलौनी है और मुंबई में भी जो मौजूद है वो भी सनी खिलौनी है और हम सब लोग मुखर्जी नगर में है फिर दूर मुंबई क्यों जाए यही सोच वर्ब का भी है जब नहीं दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है तो इसका भी याद रखिएगा आप सवाल पे क्या ध्यान दें सब जानते हैं आप और उसके बाद हमारे पास एडजेक्टिव दो प्रकार के होते हैं ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल अब जो ग्रेडेबल है उसके लिए डिग्री बनाया हमने जो ग्रेडेबल है उसके लिए हमने क्या बनाया डिग्री बनाया और मैथ्स में कितने डिग्री होते हैं मैथ्स में कितने डिग्री होते हैं 360 डिग्री शायद यही वजह है कि मैथ बहुत डिफिकल्ट है और एसएससी वालों ने सोचा मैथ डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन कम कर दो क्वेश्चन कम कर दिया उन्होंने और अंग्रेजी बहुत ही आसान है क्योंकि डिग्री मात्र तीन ही होते हैं पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री और आप इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ तीन ही होगा मैथ्स में तो ऐसे ऐसे कर दिए तो 720 हो गया एक बार और कर दिए नहीं नहीं 1080 हो जाएगा लेकिन अंग्रेजी में किधर से भी घुमाओ इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ तीन ही होगा पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका डिग्री से कोई लेना देना वो अपने आप में कंप्लीट है उनका डिग्री कम ज्यादा हुआ तो फिर वो शब्द का जो वजूद है वो बिल्कुल खतरे में आ जाएगा जैसे हमने कहा परफेक्ट तो परफेक्ट कब होगा सौरभ जी जब कोई चीज 1% न कम हो न 1% तभी तो परफेक्ट बोलेंगे आप तो जो परफेक्ट है न कम है न ज्यादा है तो फिर उसको कैसे डिग्री में डालोगे नहीं डाल सकते उसको आप इसलिए वो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहलाता है जैसे आइडियल
आइडियल क्या हो जाता है? आइडियल मतलब ना कम ना, तो फिर मोर आइडियल कैसे बोलोगे, मोर परफेक्ट कैसे बोलोगे? अगर मोर आइडियल बोल रहे हो इसका मतलब पहले वाला आइडियल, फिर आइडियल शब्द ही गलत हो गया। उसी प्रकार हमारा डेड है, DEAD, डेड, मोर डेड, ज्यादा मरा हुआ। आधा मरा तो अलग हो गया, लेकिन ज्यादा मरा हुआ कैसे बोलेंगे? नहीं बोल सकते ना। जो चीज फ्री है, जो मंथली है, ईयरली है, जो एक्सेलेंट है, जो यूनिक है, यूनिक तो कंपैरिजन के कंपैरिजन संभव ही नहीं है। यूनिक मतलब होता है उसके जैसा दूसरा, तो फिर कंपेयर किससे करोगे? कंपेयर तो दो समान लोगों के बीच में होती है। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो डिग्री में इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो उसके साथ हम मोर मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारे एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि दिस इज द मोस्ट यूनिक केस, गलत हो जाएगा, दिस इज द यूनिक केस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास यूनिक, एब्सोल्यूट, आइडियल, होल, परफेक्ट, चीफ, जो चीफ है वो चीफ ही है, चीफ गेस्ट में थोड़ी मोर चीफ, इसका मतलब बाकी क्या हो गया? जो चीफ है वो चीफ ही रहेगा। यूनिवर्सल, कंप्लीट, स्क्वायर, राउंड, एंटायर, राइट, रॉन्ग, मोर राइट नहीं बोल सकते, मोर रॉन्ग नहीं बोलेंगे, ये ज्यादा गलत है। ज्यादा गलत क्या? जो गलत है, सही है, सही है। अनमैच्ड, इम्पॉसिबल, एक्सट्रीम, फुल, डेड, डम, ब्लाइंड, एक्सेलेंट, इनविंसिबल, इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, प्रेफरेबल, इन सबको डिग्री में इस्तेमाल हम मोर प्रेफरेबल बोलेंगे, कट जाएगा आपका। प्रेफरेबल से याद आया, शायद आगे भी होगा, इसमें प्रेफरेबल के साथ हमेशा टू आएगा। द मोस्ट, दिस इज द मोस्ट यूनिक आइडिया, दिस इज अ यूनिक आइडिया। ऑल नो दैट रानी इज द मोस्ट यूनिक स्पीकर, इज अ यूनिक। और ध्यान रखिएगा, आर्टिकल का भी एरर आता है, अभी आया था आर्टिकल, इनडेफिनिट और डेफिनिट, बताइए इसमें कौन सा इनडेफिनिट आर्टिकल के एरर है। एरर पूछने के तरीके बदल जाएंगे, घबराइएगा मत। अभी सीपी में आया था ना कि पांच सेंटेंस दिया हुआ है और लिखा हुआ, बताइए इसमें इनडेफिनिट आर्टिकल का एरर किस में है, इनडेफिनिट आर्टिकल का सही प्रयोग किस में किया गया है। लिखा हुआ एन बिग सिटी, एन तो बिग सिटी होगा नहीं, फिर लिखा हुआ है एन लॉट ऑफ, गलत, फिर लिखा हुआ है लॉट ऑफ, ये भी गलत। सही क्या माना जाएगा? जहां पे अ बिग सिटी हो और अ लॉट ऑफ हो, तो तरीके बदल जाएंगे लेकिन ग्रामर बिल्कुल नहीं बदल सकता है। समय वही सवाल है, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट, गलत हो जाए, मैंगो अ यूनिक फ्रूट। एनएफ का प्रयोग, ये भी हमारे एग्जाम में, हमने सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने कई बार देखी है, बार बार देखी, अदरवाइज एक एक चैप्टर में हम लोग शास्त्र रूल पढ़ जाते हैं, लेकिन हमने उसी को आपके बीच लेकर डिस्कस करने के लिए आए हैं, जहां मुझे लगता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रही है हमारे एग्जाम में। एनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा और इसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा, जैसे ए रिच एनफ, इंटेलिजेंट एनफ, और उन कभी कभी याद नहीं रहता है, लेकिन आप उसको सेंटेंस बना के जवान पे, आई एम इंटेलिजेंट एनफ, आई एम इंटेलिजेंट एनफ, माई फादर इज रिच एनफ, शी इज क्लेवर एनफ, और इसके बाद जब भी आएगा तो इन्फिनिटिव आएगा। और एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन हम नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे एग्जाम में कई बार आए हैं, शायद अगर याद हो तो मैंने लिखा भी होगा कि शी इज स्मार्टर एनफ, स्मार्टर एनफ नहीं होगा, शी इज स्मार्ट एनफ। एडजेक्टिव एनफ के पहले आएगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा, नाउन के पहले आएगा तो बिल्कुल, नाउन के बाद आएगा तो भी गलत हो जाएगा। हम नहीं कहेंगे मनी एनफ, एनफ मनी का इस्तेमाल करेंगे। एडजेक्टिव एनफ, एडजेक्टिव के बाद एनफ आएगा और नाउन के पहले एनफ का इस्तेमाल करेंगे हम। शी इज एनफ वाइज, वाइज एनफ, एंड आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी। स्ट्रॉन्गर एनफ क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एनफ, शी इज स्ट्रॉन्गेस्ट एनफ, ये भी गलत हो जाएगा, शी इज स्ट्रॉन्ग एनफ डू इट। प्रेफरेबल के साथ याद रखिएगा, ये भी हमने सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में बहुत बार देखे, हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रेफरेबल के साथ हमेशा फिक्स प्रेपोजिशन है टू, और प्रेफरेबल के पहले नहीं मोर आएगा और नहीं मोस्ट आएगा। प्रेफरेबल के साथ हमेशा क्या आएगा? टू आएगा। द बुक इज, दिस बुक इज मोर प्रेफरेबल देन, गलत, दिस बुक इज प्रेफरेबल
टू का इस्तेमाल, इन माई ओपिनियन, ये सीडीएस में और सेम क्वेश्चन हमारे सीजीएल के एग्जाम में भी पूछा गया है। मुझे याद है मैं सीडीएस से कुछ क्वेश्चन लेके मैं नीचे बेसमेंट में क्लास करवा रहा था, ये मुझे लगता है कि 17-18 की बात होगी, बहुत बढ़िया आप नहीं होंगे। तो ये सीरियस का क्वेश्चन था और हमने सीरियस के पेपर से भी लिखे, बहुत सारे सवाल मैंने देखा वहां से आता है। तो ये क्वेश्चन करवाया और सेम क्वेश्चन हमारे एग्जाम में उस साल पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को मुझे याद है। इन माई ओपिनियन, याद रखिए, इन माई ओपिनियन से मुझे याद आया एक चीज, यस अकॉर्डिंग टू मी भी हमारे एग्जाम में कई बार आया है। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है दूसरों के अनुसार, न कि बोलने वाले के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब हो जाएगा दूसरों के अनुसार, नॉट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। तो हमें लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू राम, अकॉर्डिंग टू श्याम, अकॉर्डिंग टू यू, बट मेरे अकॉर्डिंग, तो इन माई ओपिनियन, इन माई बुक, टू माई माइंड, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन माई ओपिनियन अ पेंसिल इज ऑलवेज मोर कट जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू नंबर 10, बिल्कुल 4 बजे क्लास चलेगी। कल मैं क्लास से नहीं आ पाया क्योंकि अभी भी बड़ा मुश्किल होता है आने में, कि कल जैसे आपकी भतीजी का ऑपरेशन हुआ था तो कल पट्टी यहाँ से वो हटाएं, एक पट्टी भी है लेकिन वो बहुत दर्द हो रहा है, तो दर्द के कारण फीवर वगैरह जब मैं देखा मेरी गोद में बैठी थी वो करीब 2:30 बजे, देखा काफ़ी इसको फीवर आया हुआ है, अब मुझे बॉडी बहुत गर्म लग रहा था, चेक करवाया तो 104 फीवर था। और जब फीवर आता है तो कुछ कुछ बोलने लगती है वो, पापा वो मॉन्स्टर आ रहा है, मॉन्स्टर आपको खा जाएगा, आपके लेग को खा जाएगा, तो बहकी बहकी बातें करने लगती है। तो मैं समझ गया इसको फीवर है, भी चेक करवाया तो काफ़ी फीवर हो गया था। तो इसी फीवर के चक्कर में मैं क्लास मुझे जाना पड़ गया हॉस्पिटल वहाँ पे डॉक्टर के पास। तो कल शाम में तो लाइट, शाम तो फ्री हो गया था मैं, लेकिन शाम में लाइट नहीं था, लाइट प्रॉब्लम था, मतलब 7:20 तक सबके लाइट थी नहीं, इसे नहीं हुआ था। तो आज 4 बजे अभी क्लास होगी और आज भी वो आने नहीं दे रही थी, वो तो पेट में भी दर्द हो रहा है उसको, रात भर जगा के रखी हो, मैं पता नहीं आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा, रात भर वो पवा पेट में दर्द, पवा पेट में दर्द, और एक सोती है तो मुझे बिल्कुल ठेल देती है, इधर बिल्कुल किनारे में कर देती है, तो वहाँ भी बड़ा मुश्किल होता है उसको, इधर उधर कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसी चक्कर में थोड़ी सी उलझने थी जिसके कारण मैं क्लास नहीं ले पाया, लेकिन क्लास आपकी आज 4 बजे ज़रूर होगी, आप ज़रूर आइएगा। और आप अगर यूट्यूब पर सुन रहे हैं मुझे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी बजाइए और 2 बार लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। सारे बच्चे कह रहे हैं कि 2 बार लाइक कीजिए, जब आप 2-2 बार समोसा खाते हैं तो लाइक भी 2-2 बार हो जाना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से देखिए एरर कैसे बनते, सबसे ज्यादा जो एरर बना अनकाउंटेबल नाउन से वो ऐसे बना है कि अनकाउंटेबल नाउन को बना दिया गया है क्या, प्लूरल बना दिया गया है, लगेजेस का इस्तेमाल हो जाएगा, न्यूजेस का इस्तेमाल हो जाएगा, इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हो जाएगा, फर्नीचर्स का इस्तेमाल हो जाएगा, पोएट्रीज का इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी मेड प्लूरल, हम उसे प्लूरल नहीं बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा क्या आएगा, हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल एन का इस्तेमाल नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग होने वाला प्रनाउन दे नहीं क्या होगा, इट का इस्तेमाल करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो भी प्रनाउन आए किसके मुताबिक आएगा, इट। तो कहीं प्रनाउन भी आपको दिखे ना, तो प्रनाउन दिखे तो ढूंढो उस नाउन को जिसके लिए प्रनाउन का इस्तेमाल किया गया। प्रनाउन देखते ही समझ जाइए प्रनाउन है किसके लिए, भैया प्रनाउन ऐसे तो नहीं आया ना, प्रनाउन तो किसी नाउन के बदले आया है, तो कौन से नाउन के बदले हैं और जिस नाउन के लिए है, क्या उन दोनों नाउन और प्रनाउन में कंपैटिबिलिटी है या नहीं, ये आपको देखना है। तो ये कुछ शब्द हैं जो आप जानते होंगे पहले से, कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे देयर इज अ गुड न्यूज, और गुड न्यूज बिल्कुल गलत है, देयर इज अ गुड पीस ऑफ न्यूज या देयर इज अ पीस ऑफ गुड न्यूज, आप ऐसे भी कह सकते हैं। इफ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल द फर्नीचर्स, ऑल द फर्नीचर का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन सब हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोज वुड कार्विंग्स
एंड द टीक वुड फर्नीचर का इस्तेमाल करेंगे. नो पॉटर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेज. क्या आएगा? ऑल हिज लगेज हिमसेल्फ. द सीनरी का इस्तेमाल करें, सुनीज नहीं आएगा. आई लाइक द पोइट्री का इस्तेमाल करेंगे. द फर्नीचर देयर आर सो मेनी फील्ड्स. तो देयर इज सो मच फील्ड. फील्ड भी अनकाउंटेबल नाउन है. फील्ड मतलब होता गंदगी, और तो इसके साथ मेनी भी नहीं आएगा. आपको याद होगा एनडीए का इस्तेमाल हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करते हैं. मुनि जानती है एनडीए स्टैंड्स फॉर नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव. तो मेनी एक नंबर डिनोटिंग एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे. द पॉटर डिमांडेड 50 रुपीज टू कैरी माई लगेजेस या लगेज. टू कैरी माई लगेज. वी गेट एक्सेलेंट फर्नीचर. वी शुड अरेंज फॉर अ पॉटर एज द लगेजेस या लगेज. लगेज इज हेवी. फिर आने ही जाएगा. सम ऑफ हिज लगेज वॉज द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी. आ रहेगा ना, क्योंकि पेंटिंग्स है ना सब्जेक्ट, तो आ रहेगा. यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. ऑल द इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस वॉज अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब आएगा हमेशा सिंगुलर. अनिताज न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेशियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड. नो एरर. अ टू बेडरूम फ्लैट विद ऑल फर्नीचर. हिज फर्नीचर. देयर आर मेनी ब्यूटिफुल फर्नीचर. या तो लिखें देयर आर मेनी आइटम्स ऑफ या फिर पीसेज ऑफ ब्यूटिफुल फर्नीचर. एयर बनेगा ए में. आई बात करते पॉइंट नंबर 10. ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. वो जो कॉमन ईयर का पेज है ना, मुझे देना, देखकर फिर मैं बोलता हूं बात. देखिए, जब भी दो नाउन इकट्ठा हो जाए, जब भी दो नाउन इकट्ठा हो जाए, तो पहला नाउन हमेशा क्या रहेगा? सिंगुलर. बताइए, जब भी दो नाउन इकट्ठा हो जाए तो पहला नाउन बन जाता है एडजेक्टिव बन जाता है. जब भी दो नाउन इकट्ठा होगा तो पहला नाउन क्या बन जाता है? और एडजेक्टिव कैन नॉट बी मेड सिंगुलर. और एडजेक्टिव को नंबर से कोई लेना देना नहीं है. एडजेक्टिव की कोई सिंगुलैरिटी और सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन नाउन का होता है. नाउन का नंबर होता है, वर्ब का नंबर होता है, बट एडजेक्टिव का नंबर. तो चूंकि दो नाउन इकट्ठा आ रहा है तो पहला नाउन एडजेक्टिव बन रहा है. लेकिन अगर इस बात का हमें ज्ञान नहीं हो कि पहला नाउन एडजेक्टिव बन रहा है, तो हम उस नाउन को नाउन ही मानकर हम उसको सिंगुलर और प्लूरल बना देंगे. जैसे आई हैव टू, आई हैव टू बुक्स. आई हैव टू एरर या नो एरर? नो. आई हैव टू बुक्स. नो एरर. आई हैव टू बुक्स शॉप्स. आई हैव टू बुक्स शॉप्स. अब आई हैव टू बुक्स शॉप्स नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि बुक शॉप में बुक अब क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया है, जो शॉप की विशेषता बता रहा है. तो आई हैव टू बुक शॉप्स. बुक कांट बी मेड प्लूरल. उसी प्रकार फाइव स्टार होटल. कभी आपने बोला फाइव स्टार्स होटल? देयर आर फाइव स्टार्स ऑन द टेबल. देयर आर फाइव स्टार्स ऑन द टेबल. देयर आर फाइव स्टार्स इन द स्काई. नो. लेकिन जैसे कहते हैं फाइव स्टार होटल, होटल और स्टार जब दोनों इकट्ठा आएगा, फिर स्टार नाउन नहीं एडजेक्टिव बन जाएगा. गिव मी अ 50 रुपी नोट. अ 50 रुपी नोट है, रुपया भी. गिव मी 50 रुपीज. गिव मी 50, सही है. लेकिन गिव मी अ 50 रुपीज नोट या 50 रुपी नोट?
नोट आ गया ना, तो नोट के कारण रूपी अब क्या बन गया, अजक्ति बन गया, और जब अजक्ति बन जाएगा तो कभी इसका पुलन हम, तो ध्यान रखिए जब भी दो नाउन इकट्ठा हो जाए पहला नाउन हमेशा क्या रहेगा, अजक्ति बनेगा, और अजक्ति बनेगा तो इसका पुलन हम नहीं बना सकते हैं। बांट दो देखिएगा, 20 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर, 10 मैन कमिटी, 10 मैन कमिटी, 5 10 रुपीज नोट्स, 5 10 रुपी नोट्स। He has given me a 50 rupees note to buy this toy. 50 rupee note. Sapna is a 23 years old dancer. Agar maan lijiye dancer nahi hota, to fir years ka years hi rakhte, kyunki old adjective hai, ye bhi, ye hamara noun hi reh jayega. Ye is noun ke hone ke karan ye noun kya ban gaya? Adjective. So, Sapna is a 23-year-old dancer. It is a 3 years degree course. It is a 3 year degree course. A 5 rooms flat. A 5 rooms flat. A 5 room flat. A 5 room flat. 10 number ko aage badhane se pehle chuki aaj class in 10:20 se shuru hua. 8:20 se to नमस्ते नमस्ते, पॉइंट ऑफ एरर हम लोग शुरू करेंगे आगे। अभी जो 100 सवाल दिए गए हैं, इस 100 सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ बनाएंगे आप, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं, और ये सब हमारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी जो दो लिए है, जो भी दो रखेगा ना, जब आप शादी करने जाएंगे तो शादी से पहले उनकी भी 2 बार मोहब्बत हो चुकी होगी, मंजूर है तो ठीक है। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, घंटी बजाना ना भूले। आइए शुरुआत करते हैं। एवरी सब एग्जाम में पूछा गया है, सब एग्जाम में हटा दिया है इसमें, बहुत बढ़िया, मुझे पता नहीं है बट एग्जाम में ही है। एवरी क्यूरियस चाइल्ड क्या आएगा, वॉन्ट्स। ध्यान रखिए 2022 तक जितने एग्जाम हुए ना सब्जेक्ट अग्रीमेंट में, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैं लेकर आया, हालांकि क्वेश्चन 350 है लेकिन 100 क्वेश्चन लेके आए हैं क्योंकि रिपीटेशन बहुत ज्यादा था। नो वन वॉच द फिशरीज सेक्टर हैज, द क्रू ऑफ सेलर्स वॉच, क्रू इज अ कलेक्टिव नाउन, वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा विच इज, क्योंकि विच का संबंध किससे है, पिज्जा से है, और पिज्जा के लिए वर्ब क्या जाएगा, इज। एवरी सैटरडे द वर्कर्स गेट्स, क्या आएगा, द वर्कर्स गेट, द कंट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप इज स्ट्राइकिंग, व्हाट इज स्ट्राइकिंग, द कंट्रास्ट बिटवीन, प्रेपोजिशन से पहले जो शब्द होता है ना वही सब्जेक्ट बनता है, तो उसी को वर्ब आता है, तो यहां पे आ जाएगा बी, इसका एरर बन जाएगा, इज स्ट्राइकिंग। शमीम हैज नॉट, ये तो बच्चा वाला एरर है। अ शॉप नियर बाई सेल्स all the goods of daily use. Holiday homework is essential to keeping, देखिए to keep नहीं है, to essential, to के बाद यहां जो to है ना ये infinitive नहीं बना रहा है, ये भी preposition है, preposition के साथ verb किया है ing form। और हम ऐसा कुछ भी तैयारी नहीं करेंगे क्लास में जिसके करने से आपके अंदर negativity आए, हम यही चाहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो तो पूरा दुनिया आप जीत सकते हो।
और अगर आपको नल्ला 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 अगर हम रोज बोलते रहेंगे ना तो नाला भी साफ नहीं कर पाएंगे कभी हम जिंदगी में। ऑलवेज बी पॉजिटिव, दुनिया कुछ भी सोचे, स्थिति कुछ भी हो, पॉजिटिव होना चाहिए। माई मदर जनरली रीड्स। द पुलिस अरेस्टेड टू यंग मैन बट नीदर ऑफ देम, इधर नीदर ईच वन वर्ब आता है सिंगुलर, नीदर ऑफ देम वॉच। द टीचर एंड हर स्टूडेंट क्या आएगा वर, एंड से दो सब्जेक्ट को जब एंड से हमने कंबाइन किया है ना, फोटो कभी आपके पास वर का इस्तेमाल करेंगे। द प्राइम मिनिस्टर चेयर एक वर्ब है, चेयर भी वर्ब है, डॉग भी वर्ब है, मिल्क भी वर्ब है, फिश भी वर्ब है, वाटर भी वर्ब है, सब वर्ब के रूप में, एयर भी वर्ब है, जो नाउन की क्लास में आपको लिस्ट बटवाया था। तो द प्राइम मिनिस्टर चेयर्स मतलब होता है चेयर, मतलब होता है अध्यक्षता करना। ड्यू टू द लॉकडाउन मोस्ट स्कूल्स टीचर्स या टीच। द मैनेजर सेड दैट राहुल डज नॉट वांट। डू डज डिड के बाद हमेशा आता है बेयर इन्फिनिटिव। ओनली 5 मिनट्स, अब 5 मिनट्स अलग अलग नहीं बोल रहा है, पूरे इकट्ठे 5 मिनट आपको दिया गया कि 5 मिनट आपके पास है। ओनली 5 मिनट्स, ये अभी भी पूछा गया हमारे एग्जाम में, ओनली 5 मिनट्स इज अलाउड फॉर इच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन। विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन, याद है आपको, ये हमारा बन गया नाउन इन पोजिशन डिस्क्राइबिंग एलिमेंट, जैसे आई क्रिस्टोफर फिनिक्स एम, उसी प्रकार विंसेंट जॉनसन अ म्यूजिशियन इज। डिस्पाइट वार्निंग्स द ड्राइवर कंटिन्यूड टू स्पीड एंड हैज बीन कॉट। 19 में कम से कम आपके 10 तो जरूर सही होंगे, पूरे सही हैं, बहुत बढ़िया। पीपल हैज बीन, यू एंड आई, और जब भी एंड से दो प्रोनाउन को भी कंबाइन करेंगे वर्ब क्या जाएगा प्लूरल, यू एंड आई। अगर यू और आई होता तो नियरेस्ट के मुताबिक एम का इस्तेमाल करते। जनरल हैव ऑर्डर्ड दैट द ट्रूप्स क्या है, तो जनरल हैज। इच मेंबर ऑफ द टीम, इधर नीदर ईच वन वर्ब आएगा सिंगुलर रिसीव्स। इवन दो यद्यपि वी आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन आवर फूड प्रेफरेंसेज, वी बोथ लव दिस इज, देयर इज मेनी वेज, देयर आर मेनी वेज। आई गो, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डज नॉट ग्रोज या ग्रो डज नॉट ग्रो, ये भी अभी आया एग्जाम में। और एक और चीज बता दूं, अभी जो मैं करवा रहा हूं, जो 40 सेट आए हैं ना, तो 40 सेट में जितने भी क्वेश्चन है वो भी आपको करवा देंगे एग्जाम में हम, ताकि अगर उससे भी कुछ सवाल बने मेंस में तो वो भी बन जाए, तो वो भी हम आपको एट द एंड ऑफ द कोर्स करवा दिया जाएगा। द प्राइसेज ऑफ टोमेटोज हैव और हैज, हैव का इस्तेमाल करें किसके मुताबिक, प्राइसेज के मुताबिक। नोट डाउन माई फोन नंबर इन केस यू नीड टू रिंग मी अप। सौरभ गांगुली हैज इमर्ज्ड, क्या आएगा हैज, ईदर ऑफ द टू सुपरवाइजर्स वॉच। ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इन टू 1200 pages ऑन गांधीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश रिमेन नाउ। देखिए गांधीज विजिट, विजिट यहां पे नाउन है, राम्स विजिट, द प्रेसिडेंट्स विजिट, विजिट नाउन है, मेरा विजिट यहां पे क्या है, रिमेन एक वर्ब है, और ये रिमेन का संबंध किससे है अभी बताया आपको। द ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक रनिंग इन टू द पेजेज ऑन गांधीज विजिट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, व्हाट रिमेन्स नाउ, ओनली वन कॉपी ऑफ द बुक, तो उसके मुताबिक क्या जाएगा रिमेन्स। डिस्क्राइबिंग एलिमेंट था, और डिस्क्राइबिंग एलिमेंट के चक्कर में हमने कटवा लिया अपना 4 नंबर। प्रेमा इज द गर्ल इन माय क्लास Who writes? The box of paper
क्लिप्स क्या आएगा इज बॉक्स के मुताबिक. सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नोज ऑल द रूल्स. वन शुड बी केयरफुल टू री रीड वट दे हैव रिटन. लेकिन यहां पे दे भी नहीं आएगा. वन शुड बी केयरफुल टू रीड इट वट वन हैज रिटन. वट वन हैज, क्योंकि वन के बदले जो सब्जेक्ट आएगा वो भी वन के मुताबिक आएगा. वन हैज रिटन, आंसर आएगा डी में. द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू वॉज पुट अप ऑन द बोर्ड. नीदर अमित नॉर राजू एज हैविंग बीन अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट वंस अ पॉलिटिशियन नेवर फॉरगेट्स. मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल, क्या आएगा वर्क है, वर्क के मुताबिक हम उसमें वर्क का इस्तेमाल करेंगे. और वर्क्स होता तो क्या था, आर 40 हो गए, 40 में कम से कम 20 तो 40 है, एक गलत है वो रिमेन नाउ वाला, वन ओनली वन ऑफ द कॉपी. अब गलत क्यों हुआ इस पर देखना है. गलती नॉलेज चक्कर में नहीं हुआ, गलती अपने जो दिमाग है ना, दिमाग में जल्दीबाजी का जो भाव है कि जल्दी जल्दी करो, इस भाव को निकालना है. ज्ञान तो आपके पास पर्याप्त है, बस ध्यान में कमी है. रोहित डिड नॉट कम. ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाय दैट रेंस कैन बी अ कॉन्स्टेंट थ्रेट. अब यहां पे ऑर्गेनाइजिंग वर्ब की आईएनजी जब सब्जेक्ट बनता है तो वर्ब क्या आता है, सिंगुलर. तो ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाइज अ रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट हाई रिपोर्ट है ना, अ रिसेंट गवर्नमेंट रिपोर्ट हाईलाइट्स देयर हाउस आर नॉट वेरी बिग बट देयर हाउस इज आगा देयर हाउस इज नॉट वेरी बिग. रेस्क्यू ऑफिशियल्स वर द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस कहेगा अट्रैक्ट्स इंट्रोडक्शन के मुताबिक. इट इज आई हु एम द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट टू लैंग्वेजेस. नॉलेज के मुताबिक आ जाएगा एज. द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग. द सेक्रेटरी अलग है, द प्रिंसिपल अलग है, नो एरर. द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वैक्सेशंस एंड एंग्जाइटी बात हो रही है स्ट्रेन की, इसके मुताबिक एज. काम्बली इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु प्लेयर्स के मुताबिक हैव का इस्तेमाल करेंगे. Neither of the two children said his prayer before going to bed. Neither of the two children, सही तो है ये. Neither of the two children, neither मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो इस सिंगुलर ही तो आएगा. His prayer before going to bed. 9/10 of the pillar, 9/10 के बाद 1/4 के बाद जैसा noun वैसा verb, तो pillar के मुताबिक has. A great many students. A great many students have. The Arabian Nights is. The Prime Minister along with his cabinet colleague. Prime Minister ke mutabik aa jayega. Has been. Our success or our failure largely depends. The captain along with his team is practicing very हार कैप्टन के मुताबिक along with together with rather than no less than. Each of these boys plays either neither each one verb आता है singular. Not one of his lectures one of के मुताबिक singular verb has. The increasing mechanization of life has. Drinking and driving ये दोनों एक ही है, दारू पीकर चलाना, drinking driving अलग अलग नहीं. यहाँ पे एज एवरीवन एज. द आर्टिस्ट एंड राइटर नो, ऐसा होता द आर्टिस्ट एंड द राइटर तो हम हैव का इस्तेमाल करते. फ्लावर्स डेट आर जस्ट पिक्ड बिगिन आएगा फ्लावर्स के मुताबिक. मेनी अ मैन हैज
A technical view of new gadgets sometimes differs. A tale of two cities. क्या आएगा? Is. The US does not want. किसी भी कंट्री का नाम वर्ब आता है सिंगुलर. At certain seasons, some areas on Mars. क्या आएगा? Are. Short stories and poems of varying quality. क्या आएगा? Appear. The police are. The behavior of young boys. क्या आएगा? Its behavior के मुताबिक. The box of eggs. क्या आएगा? The box of eggs is lying on the table. 50 years have passed. क्योंकि कई टुकड़ों में गुजरा है ये. The whole block of flats, including two shops. क्या आएगा? वजी आएगा. ब्लॉक के मुताबिक. ब्लॉक इज अ कलेक्टिव नाउन. वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज. मेनी अ मैन हैज नॉलेज एंड विजडम. क्या आएगा? मेक आएगा. क्योंकि नॉलेज एंड विजडम दो अलग अलग चीज है. जैसे फेथफुलनेस, ऑनेस्टी, डेडिकेशन. तो नॉलेज एंड विजडम मेक. If man makes proper use of his time and opportunities and follow his aim in life with patience and perseverance, तो क्या है यहाँ पे? क्योंकि if man makes and follows, दोनों verb है, man के मुताबिक आएगा. यहां पे हमें जो लिखा है कि इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज. अगर मनुष्य अपने टाइम और अपॉर्चुनिटीज का प्रॉपर इस्तेमाल करे एंड फॉलो, तो सवाल उठता है हु फॉलो? कौन फॉलो करेगा? मैन. तो मैन के मुताबिक सिंगुलर वर्ब आ जाएगा. माई कजन कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई हिज टीचर सेज दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. A person who sticks to one thing in spite of initial difficulties is sure to succeed in the end. A person who sticks to one thing, एक चीज पे अगर आप जैसे आप SSC में चिपक गए तो निश्चित रूप से आपको सफलता अंत में मिलेगी ही मिलेगी. बस कहते ना कि बहुत बड़ा पहाड़ भी अगर घूमते रहे इस नदी से उस नदी में तो बन जाता है कंकर. नदी का चक्कर लगाओगे तो घिस जाओगे. और एक छोटा सा पत्थर भी कहीं पे टिक जाए तो बन जाता है शंकर. हर हर महादेव. इसलिए यहां पे नो एरर. व्हाट मेक पीपल, जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड है वर्ब क्या आता है? सिंगुलर. तो व्हाट मेक्स पीपल एंग्री. थ्री फोर्थ ऑफ द मेन हैव. थ्री फोर्थ मेन आ गया, हैव आ जाएगा. नीदर द साइज नॉट द कलर ऑफ द ग्लव्स वॉज Just outside my house. क्या आएगा? Age. Orwell is one of those authors who सही है, no error. Orwell is one of those authors who do their best to irritate the reader. No error. A period of 6 years. अब period के मुताबिक क्या जाएगा? Has. क्योंकि पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं वो. पुलिस रिपोर्ट्स, नहीं नहीं पुलिस रिपोर्ट्स, यहां पे पुलिस एडजेक्टिव है, रिपोर्ट्स नाउन है और वर्ब हो गया क्लेम. पुलिस रिपोर्ट्स जैसे बुक शॉप, इसी प्रकार पुलिस रिपोर्ट्स क्लेम दैट सब्सटेंशियल सीजर ऑफ कोकीन हैज. कंप्यूटर क्राइम हैज बीन इन द न्यूज फ्रॉम नहीं आएगा, हैज ही आएगा लेकिन यहां पे फ्रॉम थोड़ी आएगा. क्या आएगा? हैज बीन इन द न्यूज सिंस. सी मेनी अ मैन. नो एरर. नन ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग टू एडमिट दैट ही वॉज इन द रॉन्ग. ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ है. नन ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग. नन ऑफ के साथ वर्ब हमेशा क्या आता है? सिंगुलर. तो नन ऑफ द बॉयज वॉज विलिंग. नो एरर.
विलिंग मतलब होता है इच्छुक. ऑल द बसेज लिविंग बिटवीन 10 PM एंड 5 AM हैज बीन कैंसल्ड. ऑल द बसेज क्या आएगा? अच्छा हैव तो है ही नहीं, तो क्या जाएगा? वर कैंसल्ड. जस्ट लाइक अ स्पाइडर दैट स्पिन्स इट्स ओन वेब एंड लेटर डिस्ट्रॉयज इट, ह्यूमन बींग्स कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द वेव ऑफ डिजायर्स दैट क्या आएगा? दैट इनगल्फ इट, क्योंकि डिजायर्स के मुताबिक तो इनगल्फ आ जाएगा और इनगल्फ तो कभी होगा ही नहीं, फिर इनगल्फिंग में नहीं आएगा तो क्या बचाएगा? इनगल्फ इट. इफ यू ट्राई, सुप्रिया एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज गॉन ये आएगा, कौन सा आएगा? ए आएगा, हैज गॉन ऑन अ ट्रेकिंग एक्सपीडिशन. नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड वॉज हैप्पी विद ए. दिस कैट एंड माउस गेम, क्योंकि दो अलग अलग गेम नहीं है, एक ही है. द कैट एंड माउस गेम इज फेमस विद ऑल द चिल्ड्रन इन द फ्यूचर. नहीं नहीं, विल बी आएगा ना, विल बी फेमस विद ऑल चिल्ड्रन इन द फ्यूचर की बात कर रहा है ना. तो बताते हैं एक बार, यू हैव टू वियर दिस यूनिफॉर्म whether you like it or not. कहां पे है? A. And the last one, what by what reading lead to the development? Yeah, leads. क्योंकि what by what बात हो रही किसकी? रीडिंग की बात. वर्क की आईएनजी के साथ हमेशा क्या आता है? सिंगुलर. तो what by what reading leads to the development. इसके बाद जिन बच्चों को अभी रीजनिंग क्लास, किसी क्लास होने वाली है? किसी क्लास होगी अभी? मैथ्स की क्लास होगी. तो आभास सर नीचे इंतजार कर रहे हैं बेसमेंट में, नीचे बेसमेंट क्लास होगी. तो जिन्हें मैथ्स की डेमो क्लास लेनी है, देखना है कि मैथ्स पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, समय है या नहीं है, तो बेसमेंट में चले जाइए और बेसमेंट में बैठ के जीसा लीजिए. आप बिल्कुल फ्री क्लास है, इंजॉय कीजिए. कल हम 8 बजे मिलेंगे और आज तो 100 क्वेश्चन नहीं हुआ, कल और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे. हम लोग पहली क्लास थी. आप सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट. ये सारी सिचुएशन हमारे ऐप पे भी अवेलेबल हैं, अपना अपना ख्याल रखिएगा. यूट्यूब पे मौजूद सारे भाइयों बहनों को बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू सो मच. और सारा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा. अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू. बाई क्लास बेसमेंट में नीचे सब बेसमेंट.